अच्छा, वो आप बता रही थी ना कि आप बैतबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लेती रही हैं और अव्वल आती रही हैं हमेशा, तो आपके फेवरेट शायर कौन है, इकबाल या कोई और? आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह सही सारे दोस्तों भी रामा को अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करें दा सारे खैर खैरियत नाल होसो। दोस्तों आज दा वीलॉग शुरू करें दे पे हैं, मैं घरों निकले हैं, 10:50 सीधे पे और आखी क्या ना खुली आई सुता पे हम, भाई दा फोन आए थे, मैं उठे हैं और लेट थी गया क्यों जो आज ये वीलॉग जेले तुसा दे थे पे। आज 9 नवंबर है, इकबाल डे, अलामा इकबाल की पैदाइश का दिहाड़ा है। तो मैं हूँ सब तो पहले बजने दुनिया न्यूज़ के ऑफिस, पहले हमजा को रस्ते चुकिन सूँ दुनिया न्यूज़ के ऑफिस, उतर साढ़े दोस्त हैं मसूद भाई जिन्होंने साकू सदवाया हा, उत चैनल के उत्ते भी मॉर्निंग शो से भी उन्होंने साकू सदवाया, मेकू और शहजाद भाई वेला मुंडा जिले लाहौर आए हैं, तो वो प्रोड्यूसर हैं साढ़े दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने साकू उत सदवाया चैनल के उत्ते भी शहजाद भाई को भी मेकू भी, तो उन्होंने कोल वेंदा पे हाँ, वह सारे नाल वैसे भी अटैच हैं काफ़ी पोडकास्ट भी, उन्होंने कोल लाइट्स और कैमराज वगैरह का कोई सैटअप जरा है, वो उन्होंने गड्डी हा तो असा रात कटिया से लेकिन वो कट नहीं सके से, पहले वो चेसा वल सीधा असू पोडकास्ट वास्ते हाईक्यू टावर उतना सैट करने, अज जरा है साडा वीलॉग है और साड़ी पोडकास्ट है भाई दी जस्टिस नासरा जावेद जेरी अलामा इकबाल दी बहू हैं और उन्होंने नाल अज गपशप लग से हाल हवाल गिनसूँ, वो जस्टिस रिटायर हैं और अलामा इकबाल दी बहू भी हैं, अलामा इकबाल दी जिंदगी दी हवाले नाल उन्हाल गपशप लग से अलामा इकबाल दी कुछ यादा वो शेयर करे सन साडे नाल, कुछ परसनल उन्होंने गाली घर बदे बारे चोर पर वो सारे शेयर करे सन, तो अज तुहाडी मुलाकात करवाने वाल उन्होंने नाल। अच्छा दोस्तों, मैं और हमजा जरा है उतना समझना दुनिया न्यूज़ के ऑफिस, लेकिन वो मसूद भाई की कॉल आ गई है क्यों जो असा लेट थींदे पे से इतना पॉडकास्ट भी शुरू थी उन्हें सारा टाइम भी थोड़ा है, तो मसूद भाई की कॉल आ गई है कि मैं आंदा पे इतना ही तो समान घेनते ही गल तुसा दफ्तर आ वजो, तो असा हूँ दफ्तर की तरफ मुड़ते पे, अगू वार्डन भी खड़ा हो मोबाइल थले करना पोसे, लेकिन उनका ध्यान जरा है ओ बई साइड से है, इनका मतलब है असा अपना विलॉग जारी रखो, तो बस असा हूँ पहुँच गए हैं दफ्तर, दफ्तर बनते कुछ सैटिंग वगैरह कैमरा दी वो चीज़ा करवावने वो करवा के नू वल जरा है वो आवे सिन एक बजे उन्होंने नाल टाइम है जस्टिस नासरा जावेद के नाल, तो वल तुहाडी मुलाकात कर लेंगे हैं। जी दोस्तों, असा उपर वाले ऑफिस आ गए हैं और इतना जरा सर्दी जुत्ती ला के जाऊंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं तू, और इतना जरा सेटिंग करवा के नू चीज़ा दी कुछ तब्दीलियाँ थी उन्हें ओत करवा के नू, टाइम बड़ा थोड़ा है वो पहुँचने वाले हैं, तो जरा पॉडकास्ट शुरू करना है। दोस्तों माइक्स वगैरह जरा है वो सेट थी गए, बस हूँ जरा है कैमरा वगैरह वो मसूद भाई आते सैट करें पे वल जरा है असा वो भी एक बजे पहुँचने वाले हैं इतना, और पॉडकास्ट का सिलसिला भी शुरू थी से और उन्होंने नाल गपशप भी लेने आसा, क्यों मुदसिर भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस तैयारी है जी, इंशाल्लाह नई पॉडकास्ट की और आपके रहे हम लोग के लिए तैयारी, बल्कि साली दफ्तर है इसका पहली पॉडकास्ट है, ये जरा स्टूडियो तैयार की थी इतना पहली पॉडकास्ट है, बाकी तो आपको पता सिराज उल हक साहब ने भी असा मंसूरा च की है और विशाल लोकरी साहब ने असा इस्लामाबाद च की है, तो हूँ जरा इतना करे सर। फिर आप वहाँ बैठे वो कम्फर्टेबल रहेगा, ओके ओके ठीक
अपने तौर पे जो उसकी शादी करा दी उसको करा दी कहा करे अपनी गाड़ी में जबकि तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे इसलिए रोका मैंने कहा मुझे पता नहीं कहाँ जाना है तो मैं उतर के बैठ यार टेक तो हो सकते हैं उसकी चार्जिंग के लिए लगाया हुआ तो चार्जिंग तो है ही इसलिए और दुनिया भर में कहते हैं कि जो सतून है रियासत के एक मुकदना है जो कवानीन बनाती है एक इंतजामिया है जो दरों दरामद करती है और एक अदलिया है जो लोगों की शिकायत की दाद रसी इसलिए उनको कहते हैं द लीस्ट डेंजरस ब्रांच दुनिया भर और मैं समझती हूँ उनका काम है कि अगर ज्यादा मुकदमा ना लिखिए जैसे आजकल तो आपको पता है एक तरफा ही कानून बन रहे हैं क्योंकि एक पार्टी बच्चों को अब मेरी बहू कह रही थी आप उम्र से वापस आए चले कहीं आपको खाने पर लेके जाते हैं सेलिब्रेशन के तो मैं अभी यही सोच रही थी मैं उसको कहूँ कि क्या है या नहीं ये पास्ता है आप देख लें जो भी आपको पहले लेना हो सैंडविच भी है जी चलो तो असं खाना शुरू करें पे नाल नाल गपशप भी लगती लगती रास्ते और असं भी जरा हाल हवाल गिन गिन दे जस्टिस साहिबा को मैं डाल दूं अगर आप कहें तो जी जी ये सैलड भी है ये भी प्लीज आप घर में खाना नॉर्मली आपको कौन सर्व करता है आप खुद ले लेती हैं या कोई मेड अच्छा बहू के हाथ का खाना या कभी बेटे ने लाके दिया इस तरह से भी होता है कुछ लेकिन फिर मैं क्रूज़ पे चली जाती थी कोविड से पहले अच्छा तो मेरी बहू के मेके लंदन में अच्छा गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चे बेचैन होते हैं चले आपको ज़ाती तौर पे दुनिया में कौन सी जगह है जो आपको अट्रैक्ट करती है सियाहत के हवाले से जो आपका दिल करता है कि जहाँ जाना तुर्की का कोई मुकाबला और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के इधर हम अगर नॉर्थ की बात करें और यहाँ बड़ा अच्छा देखने की जी जी बस वहीं रहने दीजिए उम्रे वगैरह के आपके पहले कितने सफर हैं अभी आप दो तीन दिन पहले भी आपने बताया आप उम्रे से आई हैं साथ जाना हुआ था बच्चों को मैं 5-6 साल हुए सबको लेके गई अच्छा मैंने कभी रास्ता दिखाना मेरा काम है बाकी तुम जानो तुम्हारा काम बिल्कुल तो अभी कोविड के बाद तो बहुत रश है अभी मैं भी कुछ अर्सा पहले एक महीना तो अभी आप फैमिली के साथ ही गई थी या आप उनको एक बार ही ले गई सब अच्छा 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 वो आप बता रही थी ना कि आप बैतबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लेती रही हैं और अव्वल आती रही हैं हमेशा तो आपके फेवरेट शायर कौन है इकबाल या कोई और मेरा
बात यह है कि ऐसा शेर चुनना है अगले को एकत्र हो जाए, उसका जो अतीत का है ना लफ्ज का हर्ष उससे कुछ पहाड़ हो जाए जी जी। इस तरह मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कौन फेवरेट है जो शेर मालूम करता है। ट्रैफिक की सूरत हाल आज ज़रा वो है चूँकि अभी ये यहाँ पे ऑफिस है पीटीआई का। नहीं लेकिन इस वक्त मैंने देखा है कि उधर की सड़क चल रही थी जी, उधर की चल रही है, असल में पीटीआई का ऑफिस इस तरफ है सामने ना, तो वो एक प्रोटेस्ट भी है तो उस वजह से यहाँ पे लोग झंडा पंजाब में हुकूमत इनके शुरका की है ना जी, हर तरफ झंडे अपने लगा है तो बस तो आपके दफ्तर के आगे भी लगा जी झंडे तो कहीं भी ये हो तो झंडे तो आपने खुद ही आवेदन करी नहीं ये तो इनको पता जिनका टावर है उन्होंने ही आवेदन करवाया है। और बड़े मुश्किल पसंद थे इनको शेर आसानी से नहीं। आपको इकबाल की शायरी भी पसंद है या बस ठीक है बहुत अच्छी शायरी उन्होंने की है, उनकी शायरी का तो मुकाबला ही नहीं बिल्कुल, लेकिन ये है कि सलीस जुबान में नहीं है सिवाय मैं समझती हूँ कुछ इससे बाले जबरील के ऐसे हैं या बांगे दरा के। बहुत मुश्किल शायरी है आजकल के नौजवानों के लिए समझना शायद बहुत मुश्किल है। ये है ना पीटीआई का ऑफिस है ये वो कंटेनर है जिसपे लॉन्ग मार्च के लिए भी निकले थे ये लोग शायद, तो इस वजह से यहाँ पे सारा रश है। अगला गेट है हाँ ये वाला ये ब्लैक, यहाँ से अंदर जाएंगे कुछ हॉर्न करेंगे तो आ जाएंगे। पुलिस गार्डन में जा रहे जो यूनिफॉर्म पहने या मजा ले जो ये रखे कवाए तो जवाब बिल्कुल नहीं। बेटा वो पीछे आए ना प्रोफेसर साहब नहीं वो मैंने उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों असा हूँ जरा इतों इन्हों को रुखसत कर गई दे और असा वापस निकलते पे हैं अपने दफ्तर की तरफ, सारे दफ्तरों तो खैर इन्हों का घर बिल्कुल नेड़े ही है जी। दोस्तों असा जरा वापस पहुँच गए हैं ऑफिस। हमजा रिमोट आपके पास है? रिमोट आपके पास है? लॉक कर दें। जी दोस्तों यकीनन तो आपको व्लॉग पसंद आया उसे और नासा इकबाल साहिब जरियन वो बहुत हम्बल पर्सनैलिटी और बड़ी ज़बरदस्त खातून है, अल्लाह ताला उन्हें उम्र दराज करे। ये व्लॉग इतने ही एंड करें इसी तरह तुम्हारे नाल ज़बरदस्त ज़बरदस्त व्लॉग सारे शेयर थींदे रह संदोज देते रह सो मुहब्बत देंदे रह सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तुम्हारे नाल कल शेयर करे सो। अपना ढेर सारा ख्याल रखे सो वसीयत दे लोगों का ख्याल रखे सो अल्लाह हाफिज़।